One of the top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. छापेमारी की गई है, कौन सी कंपनी है और किस तरह की कार्रवाई यहाँ हो रही है? जयपुर के अंदर एक आदमी ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके अंदर उसने ये बताया था कि उसके साथ पिछले 2 साल से फ्रॉड हो रहा है शेयर मार्केट के नाम से, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम से पैसे दिए जा रहे हैं और अब तक उसके करीब 42 लाख रुपये उसके अकाउंट से निकल चुके हैं और इनके अकाउंट में आ चुके हैं। इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था 2-3 महीने पहले, जिस पर इन्वेस्टिगेशन टेक्निकली की गई। तो यहाँ पे नोएडा के अंदर सेक्टर 2 के अंदर वो INIs यहाँ पे चलती हुई पाई गई, जिस पर हमारे 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे टीम आई और जिसने सारा वेरिफिकेशन किया, लोगों को आइडेंटिफाई किया कि किन नंबरों से बातचीत हो रही है, कौन कहीं के ऑनर्स हैं, तो हमें इस कॉल सेंटर के बारे में पता लगा और आज हमने नोएडा पुलिस की सहायता से, नोएडा पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया, उन्होंने हमारी काफ़ी सहायता की और जॉइंट रेड के अंदर हम लोगों ने ये सारी कार्रवाई की, जिसके अंदर हमने 5 व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया है। एक व्यक्ति जो हमारे राजस्थान का, ये उसको भी हम पूछताछ के लिए लेके जाएंगे, उसको डाउट है लेकिन अभी क्लियर नहीं, तो वो वहाँ जाके पता लगेगा। यहाँ पे कई 22 लड़कियाँ पर काम कर रही थी जो अभी इनिशियली बहुत इनोसेंट सी लगी, लेकिन अभी हमने हमको यहाँ से तो छोड़ा है, लेकिन पूछताछ के लिए जरूरत पड़ेगी तो हमें बुलाएंगे और इन्वेस्टिगेशन डिटेल में हम जयपुर रहते करेंगे। अभी यहाँ पे इनिशियली उनके मोबाइल्स वगैरह हमने जब्त किए हैं, लैपटॉप जब्त किए हैं और कुछ उनके जेब में पैसे वगैरह मिले हुए थे, बैंक अकाउंट्स को हमने यहाँ से सीज किया है। सर, जो शिकायत करता था वो पिछले 2 साल से इनको पैसे भेज रहा था, तो उसे किस तरह से लगा कि इसके साथ फ्रॉड हो रहा है, ये लोग क्या करते थे? शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे पैसे लिया, कभी 2 साल में वापस दिया नहीं। जब उसके रिटायरमेंट के पैसे भी चले गए, पहले वाले पैसे चले गए, तब उसको होश आया कि मैं तो बिल्कुल डूब गया और जो भी पैसा उसके इनके अकाउंट में जा रहा था वो भी निकल के जा रहा था, वापस उसके पास कुछ भी नहीं आया। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि वाकई में एक रिकॉर्ड ही चल रहा है। ये लोग केवल शेयर मार्केट का या इसके अलावा किस तरह जो भी जिस तरह के भी आदमी बेवकूफ़ बन सकता है उसे बनाते हैं और मोबाइल कॉल कर करके भी CVV नंबर ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का है, लोन सिस्टम है कि आप लोन दिला देंगे, उनसे पूछा जाए कि भाई तुम्हारे को किसने ऑथराइज़ किया लोन देने के लिए, तो कुछ पता नहीं ना, ये कोई बैंक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं कुछ नहीं। सर, प्रारंभिक पूछताछ में क्या पता चला है कि कितने लोगों को ये शिकार बना चुके हैं, कितने करोड़ों का? अब और डिटेल से पता लगेगा, अब चूँकि आप के थ्रू बाजार में बात जाएगी तो हो सकता है बहुत सारी FIRs आए हमारे पास, तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी ऑल ओवर इंडिया में, ये लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ से लोकल तो बात करते नहीं है, बाहर लोगों को यहाँ पे आने की हिम्मत होती नहीं है, लेकिन जब ये पकड़ में आ गए तो जरूर आएंगे हमारे सामने, तो वो बात होगी। थैंक यू सर।